सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग तक हमारा हो गया था बेटा पार्ट वन में. चलो अब पार्ट टू का जो है उसमें डेप्रिसिएशन तक तो डन कर लिया हमने लास्ट लेक्चर में. अभी नेक्स्ट आउटफ्लो क्या है? अभी नेक्स्ट आउटफ्लो अपने पास क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट तो है, साथ में प्रिंसिपल भी तो पेमेंट किया ना बेटा. तो आ जाओ प्रिंसिपल पेमेंट. प्रिंसिपल पेमेंट, चलो प्रिंसिपल पेमेंट कितना है वो भी आपको पता है, आपने किया ही था. पहले तो सबसे पहले जीरो ईयर में आ जाओ, 250,000, ये तो डाउन पेमेंट है, बराबर है? दिस इज व्हाट योर डाउन पेमेंट. ओके, आउटफ्लो ये है. फिर उसके बाद कितना था, 1,75,000 का प्रिंसिपल आया था, इंटरेस्ट टेबल से आप चेक कर सकते हो. फिर सेकेंड वाला कितना था, 2,50,000, ये भी इंटरेस्ट टेबल से आप देख सकते हो कि आपका पार्ट कैश प्राइस कितना है, प्रिंसिपल कितना आपने पे किया है. तो इंटरेस्ट टेबल बनाया था ना हमने लास्ट लेक्चर में, देखो उसमें दिया है ना पार्ट कैश प्राइस पेड में. तो ये सब अपने प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, 175, 250 और लास्ट में 325. गॉट इट? डन. सो दिस इज व्हाट आर प्रिंसिपल पेमेंट भी हो गया. चलो अब क्या करना है, अपने को कैश आउटफ्लो निकाल लेते बेटा. सो कैश आउटफ्लो, और बच्चा कैश आउटफ्लो चलो कितना होगा कैश आउटफ्लो. पहला तो सेम हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वन 2,50,000, दिस इज कॉमन एज यूजुअल 2,50,000. हाँ इधर जरा कैलकुलेट करना, 2,25,000 देखो आउटफ्लो निकालना है आपने को. 225 आउटफ्लो है, 175 आउटफ्लो है, ये दोनों आउटफ्लो है. उससे आपको सेविंग कितना मिल जाएगा, टैक्स सेविंग, वो माइनस कर देना बेटा. जो टैक्स सेविंग है 78,750 और 1,16,667. चलो तो कितना आ रहा है बताओ. ओके कितना, 2,04,583. गुड. सेकेंड वाले का बताओ, सेकेंड वाले का 150 प्लस 250 4 लैक्स हो गया, माइनस दीज टू कितना, 2,30,833. ओके ठीक है. नेक्स्ट फाइनल वाले का बताओ, फाइनल 257. ओके 257,84. गुड शाबाश. परफेक्ट. यस यस वेरी गुड, वेल डन सुनीता, वेरी गुड यश, वेल डन. चलो तो ये कैश आउटफ्लो आ गया. अब बेटा क्या करना है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना ना, प्रेजेंट वैल्यू. तो पीवी फैक्टर, आ जाओ पीवी फैक्टर ले लो फिर. सो पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर कितना बोला है क्वेश्चन में बेटा, एट द रेट ऑफ 20% है. एलसी लो, 20% का पीवी फैक्टर. अभी सुनो, जीरो ईयर का पीवी फैक्टर सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट. जीरो ईयर का पीवी फैक्टर होता है 1, ये तो फिक्स है. बाकी का निकाल लो, 1/1.20 इक्वल टू, तो कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर का 0.833, फिर सेकंड ईयर का इक्वल टू करके निकाल लो. तो ये हो गया 0.833, सेकंड ईयर का आ गया 0.694 और थर्ड ईयर का कितना आ रहा है, 0.579 ना, 2,3,579. परफेक्ट परफेक्ट आ गया सबका. गुड वेरी गुड यश. चलो अभी आप क्या निकाल लोगे बच्चा लोग. यस अब मेन आ जाएगा अपना, जो मेन आंसर की तलाश है अपने को, पीवी ऑफ एन कोट आ जाएगा. अभी क्या आ जाएगा, पीवी ऑफ एन कोट. तो चलो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, पीवी ऑफ एन कोट.
ठीक है। तो ये फिफ्थ पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोट मतलब नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट वाले का तो सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2,50,000 × 1, 2,50,000, 2,04,583 इंटू 0.833 कितना आ रहा है? ओके वेरी गुड, 1,70,418 शाबाश, 1,70,418 देन 2,30,833 इंटू 0.694 कितना आ रहा है? 1,60,198 वेरी गुड। लास्ट का बताओ 1,48,852 1,48,852 आ रहा है सबका? परफेक्ट है, चेक कर लो कैलसी है ना, कैलसी से चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही है बराबर। हाँ वो 851.6 है मतलब राउंड ऑफ कर लिया 52। ठीक है चलो हो गया अपना, डन हो गया बेटा। इधर अब जरा मेन अपना काम इधर क्या दिखाना है अपने को, जरा बता दो टोटल कितना है। सो टोटल टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हो गया, सबको प्लस करो, ऑल विल बी एडेड, जितना दिख रहा है सबको प्लस कर दो इधर। कितना है बेटा? 729,468 वेरी गुड यश, परफेक्ट आ रहा है क्या? 729,468 ओके ओके। तो मैं इधर ही नीचे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे क्यों जाना, इधर है ना जगह। तो टोटल पीवी ऑफ एन कोट इज इक्वल टू कितना है, रुपीज कितना, 729,000 कितना, 468 दैट्स इट। तो हमारे कैलकुलेशन से ये आंसर आया बेटा 729,468। इतना अपना कैश आउटफ्लो होगा इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन अंडर हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस बेसिस पे बाय करेगा तो 729,468 का कैश आउटफ्लो है। चलो अब आ जाओ सेकंड वाले, ये हो गया पहले कर लो सब लोग, डू इट, उसके बाद हम लोग सेकंड ऑप्शन पे मूव करेंगे, दैट इज लीजिंग ऑप्शन। नाउ लीजिंग ऑप्शन एज यूजुअल एज कॉमन बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स पीवी ऑफ एनकोड, नंबर पर्टिकुलर्स ईयर अमाउंट पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू सब सामने है अपने। चलो तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट व्हाट, अच्छा इसमें देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, सी लीजिंग ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा चीज दी अपने को, एक्स्ट्रा थिंग इज गिवन, व्हाट इज दैट, यस 20,000 विल बी पेबल टुवर्ड्स इनिशियल सर्विस फी अपॉन साइनिंग द लीज एग्रीमेंट। चलो तो वो इनिशियल सर्विस फीस भी आ जाएगा अपना आउटफ्लो, तो दिखा देना इधर सबसे पहला व्हाट इनिशियल सर्विस फी, ये भी आपका एक्सपेंडिचर ही हो गया ना बेटा एक तरह से, इनिशियल सर्विस फी। तो इनिशियल मतलब जीरो ईयर में आएगा, कितना है 20,000, जीरो ईयर का पीवी फैक्टर बताइए बेटा, जीरो ईयर का पीवी फैक्टर क्या होता है आपका 1, सो प्रेजेंट वैल्यू भी सेम 20,000, दैट्स इट ओके। चलो नाउ सेकेंड वन क्या है बेटा, एनुअल लीज रेंटल्स, एनुअल लीज रेंटल्स दैट इज ALR, ठीक है एनुअल लीज रेंटल्स। अब रेंटल्स आपने दिया है 1, 2, 3 ठीक है, यू कैन सी हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, 20,000 विल बी पेबल टुवर्ड्स इनिशियल सर्विस फी अपॉन साइनिंग ऑफ द लीज एग्रीमेंट ओके। एनुअल लीज रेंटल ऑफ 4,32,000 इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो तीन साल तक देना है आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ओके। सो एट द एंड है तो फर्स्ट टू थ्री ओके कितना है बेटा 4,32,000 बराबर। चलो पीवी फैक्टर निकालो आ जाओ, कितना कैलसी में 1, 2, 3 years तक दे रहे ना, तो 1/20% है ना, तो 1.20
थ्री टाइम इक्वल टू 1, 2, 3, उसके बाद क्या करना है आपने को, ग्रैंड टोटल का बटन, ग्रैंड टोटल जीटी, तो कितना आ गया 2.106 आ रहा है, बराबर है ना, क्लियर है, मालूम पड़ गया। ओके, जिसके पास ग्रैंड टोटल का बटन नहीं है उसके लिए क्या करने का, फिर 1/1.20 करो, इक्वल टू मारा तो कितना आ गया, इक्वल टू मारा इतना आ गया, फिर इधर बटन होगा देखो भाई, जिसके पास जीटी का बटन नहीं है वो एम प्लस दिख रहा है क्या, एम प्लस, वो एम प्लस को प्रेस करो, प्रेस करो उसको, फिर इक्वल टू मारो, फिर एम प्लस को प्रेस प्रेस करके इक्वल टू मारो, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा थ्री टाइम्स करने का, फिर लास्ट में टोटल निकालने के लिए एमआरसी कर दो, एमआरसी का बटन दिख रहा है इधर टॉप पे, ये देखो एमआरसी, भाई किधर गया भाई, इधर एमआरसी का बटन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है एमआरसी, इसको प्रेस कर देने का तो आ जाएगा, ये तो जीरो अभी ये दब गया, एसी दब गया, इसे जीरो हो गया, ठीक है, तो वैसा करो तो आ जाएगा डायरेक्टली 1/1.20 इक्वल टू एम प्लस फिर एमआरसी, करके दिखाओ, देखो 1/1.20 इक्वल टू फिर एम प्लस इक्वल टू मारा वन टाइम, फिर इक्वल टू, फिर एम प्लस इक्वल टू, एम प्लस इक्वल टू, फिर एमआरसी, अबे क्या हो गया, दूसरा दब गया, ज्यादा हो गया एक बार, सो देखो 1/1.20 करेक्ट किया, फिर क्या किया आपने, इक्वल टू किया तो ये आया, फिर एम प्लस प्रेस किया, एम प्लस इक्वल टू, एम प्लस इक्वल टू, एम प्लस इक्वल टू, ऐसा करो फिर लास्ट में एमआरसी कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो करके देखो, जिसके पास जीटी का बटन नहीं है उसके लिए आया कि नहीं, नहीं आया, देख मेरे साथ कर, चल 1/1.20 इक्वल टू, फिर ये एम प्लस जो दिख रहा है, एम प्लस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स करना है आपने, एम प्लस इक्वल टू, एम प्लस इक्वल टू, फिर एम आर सी 1/1.20 इक्वल टू, ठीक है, फिर एम प्लस इक्वल टू मार, एम प्लस इक्वल टू मार, एम प्लस इक्वल टू मार, फिर एम आर सी मार, आ गया ना, यही आया था ना 2.106, फाइनली लास्ट में एमआरसी कर देने का, एमआरसी ये जो है ना एमआरसी, बराबर वैसा करने, तो ये ग्रैंड टोटल का बटन नहीं रहेगा तो ये सब झंझट मारी उसके लिए करना है, जिसके पास जीटी का बटन है उसको टेंशन है, डायरेक्ट जीटी खत्म, गेम ओवर, थ्री टाइम्स करके डायरेक्ट जीटी, जीटी के बटन में 1/1.20 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू थ्री टाइम्स किया, फिर जीटी मार दिया, खत्म हो गया डायरेक्ट, समझा, तो याद रखो वैसा कैलसी रखने का, एग्जाम में टाइम सेव होगा अपना, तो इधर आ गया 2.106। अच्छा बच्चे लोग जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, कितना 9,09,792, चेक करना भाई बराबर है क्या, यही है, ओके वेरी गुड यश, वेरी गुड सुनीता, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब बेटा आपको क्या मिलेगा, देखो इनिशियल सर्विस एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंडिचर है, एनुअल लीज रेंटल भी एक्सपेंडिचर है, तो इस पे क्या मिलेगा आपको, टैक्स सेविंग मिल जाएगा, तो चलो लेस लेस व्हाट बेटा, टैक्स सेविंग, टैक्स ब्रैकेट अपना कितना है एट द रेट ऑफ 35%, लेस टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 35% ऑन, पहले आ जाओ किसके ऊपर, इनिशियल सर्विस फी, ऑन इनिशियल सर्विस फी आ जाओ, तो बेटा इनिशियल सर्विस फी, अब टैक्स तो पता है ना बेटा, टैक्स सेविंग हमेशा एट द एंड ही मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर इनिशियल सर्विस फी बराबर है, वन टाइम ही पे किया तो फर्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट मिल जाए, फर्स्ट ईयर में उसका टैक्स सेविंग मिल जाएगा आपको, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट, इनिशियल सर्विस फी एट द एंड ऑफ ईयर, चलो कितना था 20,000 का 35% था, 35% का टैक्स सेविंग मिलेगा, तो कितना रहा 20,000 का 35% हो रहा है कितना 7,000, ठीक है 20,000 का 35% विल बी 7,000, ओके यस। चलो अब फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर कितना आया था 0.833,
मल्टीप्लाई करो 0.833 इंटू 7000 कितना आ रहा है 5831 यही है चेक करना इज दिस करेक्ट ओके 5831 ही है ना चलो नेक्स्ट वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट नाउ अब जो मेन टैक्स सेविंग है वो किसके ऊपर मिलेगा आपको एएलआर सो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 35% ऑन व्हाट बेटा एएलआर मतलब एनुअल लीज रेंटल्स ठीक है एएलआर एनुअल लीज रेंटल अब ये तो पता ही है 1-3 ईयर लीज रेंटल्स जो भी है आपका तीनों ईयर में है तो 1-3 इयर्स अब कितना आएगा 4,32,000 है उसका 35% निकाला तो कितना आया 1,51,200 परफेक्ट अब इधर भी 1-3 इयर्स का आपने निकाला ही है बेटा ये देखो ये रहा वो तो सेम आ जाएगा 2.106 मल्टीप्लाई करो 151,200 इंटू 2.106 कितना आ रहा है 3,18,427 वेरी गुड 3,18,427 परफेक्ट 3,18,427 परफेक्ट आंसर ठीक है तो चलो फाइनली अपने को मिल जाएगा व्हाट पीवी ऑफ एन कोट व्हाट वी विल गेट पीवी ऑफ एन कोट कर लो 20,000 प्लस 9,09,792 माइनस दीज टू कितना आ रहा है 6,05,534 ओके 6,05,534 परफेक्ट है यही है ना आंसर ओके वेरी गुड सुनीता ओके 6,05,534 ओके यस यस ओके डन तो ये हो गया अपना इधर भी फिनिश चलो बेटा अभी देखो एज पर लीजिंग ऑप्शन आपका कैश आउटफ्लो कितना है 6,05,534 और जो आपका कौन सा ऑप्शन बाइंग ऑप्शन में कितना आया था आपको बाइंग ऑप्शन में आपका आउटफ्लो कितना था 7,29,468 तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए आप कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करोगे मैनेजमेंट को टेल मी यस लीज इज बेटर बिकॉज लीज में अपना कैश आउटफ्लो कम है बेटा कैश आउटफ्लो कम है तो लीजिंग ऑप्शन विल बी बेटर उधर हायर परचेज में ले रहा है तो कैश आउटफ्लो ज्यादा है 7,29,468 बराबर है कि नहीं तो चलो आ जाओ सजेस्ट कर दो आ जाओ सो कंक्लूजन करके लिख सकते हो आप कंक्लूजन एनालिसिस कोई एक ही लिखने का एग्जाम में ऐसा तीनों लिखने मत बैठना रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हो ठीक है चलो क्या करोगे आप रिकमेंड सिंस अपने ओन वर्ड्स में बनाने का ऐसा कुछ नहीं जो लिखा है मैं जो लिखा है मैंने वो लिखा अपने ओन वर्ड्स में खाली आंसर में क्या आना चाहिए लीजिंग ऑप्शन बेटर ये होना चाहिए बस बाकी आप सेंटेंस अपने ओन वर्ड्स में जैसा आपको मैनेजमेंट को व्यू देना है यू कैन Present it. Since the present value of what? Net cash outflow is lowest in case of own words mein sentence bana sakte ho. Yeah, less in case of what? Leasing option. In case of leasing option. So it is what? It is suggested or recommended. It is suggested to acquire. It is suggested to acquire the crane on lease basis. That's it. That's over. That's done. Okay? मालूम पड़ा? तो ये समय है इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना घर पे क्लियर है बड़ा समय बड़ा अच्छा समय
मालूम पड़ा, क्लियर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, याद रखो। तो ये लीज एंड हायर परचेस फाइनेंसिंग का सम हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस करो, डू योर बेस्ट, ये होता है अपना इधर सम खत्म, मालूम पड़ा। तो प्रैक्टिस करने का, अच्छे से कैलकुलेशन पे ध्यान देने का, बाकी टेंशन लेने का नहीं। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, तो याद रखो, डू योर बेस्ट, ओके।